सोलापुर के एडोरा हॉस्पिटल में पहली बार लिंग परिवर्तन की शस्त्रक्रिया पूरी होने में सफलता प्राप्त हुई है। डॉक्टर शरण हिरेमठ, इन्होंने यह संभव कर दिखाया। 2 वर्षों के अथक परिश्रमों के बाद एक पुरुष का महिला में रूपांतरण किया गया है। लिंग परिवर्तन की यह सफलतापूर्वक घटना सोलापुर के डॉक्टर शरण हिरेमठ इनके अथक प्रयासों से संभव हुई है। लिंग परिवर्तन कर पुरुष का महिला में रूपांतरण किया गया है और यह परिजनों के सम्मति, मानसिक रोग तज्ञ के सलाह के बाद ही इस प्रक्रिया को शुरुआत की जाती है। लिंग परिवर्तन करने वाले व्यक्ति की पहचान गुप्त रखी गई है। सोलापुर में लिंग परिवर्तन की इस सफलतापूर्वक घटना के बाद ग्रामीण भाग में लिंग परिवर्तन की इच्छा रखने वालों के लिए आसानी हो गई है। इस शस्त्रक्रिया के लिए 1 से 1.5 लाख रुपयों का खर्चा आता है, लेकिन लिंग परिवर्तन के बाद यह स्त्री बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी, ऐसी जानकारी डॉक्टर शरण हिरेमठ इन्होंने दी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं डॉक्टर शरण बसवा हिरेमठ हूँ। मैं प्लास्टिक सर्जन हूँ। मेरा अडोरा हॉस्पिटल क्लिनिक है इधर VIP रोड एम्प्लॉयमेंट चौक। अभी जो मैंने जो ट्रांसजेंडर जैसे जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन सेक्स चेंज ऑपरेशन जो पहली बार सोलापुर में हुआ है, जो मेल से फीमेल हुआ है, जैसा नॉर्मली इनका 2 साल से ट्रीटमेंट चलता है, जैसा पहले आते हैं और आते हैं उनको क्या बनना चाहते हैं उसका उनके बारे में जानकारी पूरा हासिल करते हैं, उसके बाद में अपन उनको साइकेट्रिस्ट के पास, मानसिक रोग तज्ञ के पास भेजते हैं। वो काउंसलिंग करके उनका कोई दबाव नहीं है, उनका इंटरेस्ट क्या है वो इसके लिए वो पेशेंट से बातचीत करके पता लगाते हैं। फिर थोड़े दिन के बाद वो कंफर्म करते हैं कि पेशेंट नॉर्मल है, पेशेंट को अपने आप ही मेल से फीमेल बनने का है या फीमेल से मेल बनने का है। ये नॉर्मल थिंकिंग है, हर कोई को अपना जो डेमोक्रेटिक कंट्री में जो भी उनको चाहिए वैसा जीने का अधिकार है। इट इज़ राइट, इट इज़ ए बेसिक। तो वो जो भी बनना चाहते हैं उसके अनुसार अपन ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो रहता है साइकेट्रिक ट्रीटमेंट रहता है, उसमें उनका काउंसलिंग होता है और उनके जो फादर मदर है उनका पूरा परिवार का काउंसलिंग होता है और उनको बताते हैं कि ये नॉर्मल है और उनको प्रोत्साहन या उनको सपोर्ट करना ज़रूरी है पेरेंट्स को, ठीक है। उसके बाद में जब मानसिक रोग तज्ञ बोलता है कि ये नॉर्मल है, देन उनको अपन एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हार्मोन थेरेपी के पास स्टार्ट करते हैं। हार्मोन थेरेपी एक 6 महीने का हार्मोन थेरेपी रहता है। उसके बाद में उनका पूरा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन जो मेल से पूरा फीमेल बनने का स्टार्ट हो जाता है, उसमें जो बॉडी का हेयर चला जाता है और उसका जो भी ब्रेस्ट का थोड़ा बहुत साइज बढ़ जाता है और फैट जो डिपोजिशन रहता है फीमेल का बॉडी फैट डिपोजिशन चालू हो जाता है। फिर 6 महीने के बाद अपन उनको फिर से काउंसलिंग करके उनका एक जो प्राइवेट का जो जेनेटिल है, एक्सटर्नल जेनेटिल है या जो रहता है मेल का जो रहता है फीमेल करने का है, फीमेल से मेल करने का है, जो ऑपरेशन रहता है वो ऑपरेशन तो मेजर ऑपरेशन में आता है, प्योरली एक्सक्लूसिवली स्किल रहता है वो जो प्लास्टिक सर्जन करते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड में करते हैं, इधर सोलापुर में हमने पहली बार किया है। उसमें जो रहता है जो लिंग बदलने का है पूरा कंप्लीट फीमेल करते हैं, वो जो नॉर्मल उसके बाद में भी उनका नॉर्मल रेगुलरली जो यूरिन करने का है या सेक्सुअल लाइफ जीने का है, एक्सेप्ट उनको बच्चा नहीं होता है बट नॉर्मल उनका फीमेल का लाइफ जी सकते हैं। कंप्लीट रिकवरी के लिए अराउंड 3 मंथ्स रखते हैं। 3 मंथ्स के बाद में उनका नॉर्मल जो डे टू डे एक्टिविटीज़ है, रेगुलर एक्टिविटीज़ वो कर सकते हैं। उसके बाद में भी अपने को हार्मोन थेरेपी वो सब करना रहता है इनके। उसके बाद में उनको ज़्यादा बड़ा ब्रेस्ट चाहिए तो बड़ा सिलिकॉन इम्प्लांट्स डाल सकते हैं या बॉडी चेंजेस कर सकते हैं, तो अभी आगे भी अपन ऑपरेशंस कर सकते हैं। फिर चेहरे का हेयर्स के लिए उसका लेज़र हेयर रिमूवल करते हैं, उसका भी पर मंथली सेशंस रहते हैं, जो 7-8 बार हम लेज़र फेस के ऊपर कर देने के बाद परमानेंट हेयर लॉस चले जाते हैं परमानेंट के, तो फिर बाद में धीरे धीरे वो ऑलमोस्ट फीमेल लुक आ चुका रहता है और नॉर्मल अपना कंप्लीट लाइफ नॉर्मल फीमेल की लाइफ जी सकते हैं। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।